आप मुँह बस अभी बताओ 15-20 मिनट न जाओगे तो मैं अपनी मम्मी घर जा रही हूँ। मैं न रोया मम्मी के घर जाओगे तुम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं निश्चल के पापा के साथ प्रैंक करने वाली हूँ और प्रैंक में जो मैं करूँगी आज मैं उनको बहुत डांटने वाली हूँ अपनी लैंग्वेज में। तो देखती हूँ कि जब मैं उन्हें डांटूंगी इनका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि वैसे तो खैर भाई वाइफ होता है तो वाइफ को तो सब प्रॉब्लम पता होती है, क्या सिचुएशन है सब चीज़ पता होती है, पर मैं फिर भी ना उनसे एक छोटी सी बात पर लड़ाई करने वाली हूँ, झगड़ा करने वाली हूँ कि आप न्यू ईयर पर कहीं लेके नहीं जाते हो, घर में बिठा के रखते हो। तो इसी चीज़ पर मैं उनसे झगड़ा करूँगी। तो जो कैमरा मैंने छुपा दिया यहाँ पे खिड़की के पास पर्दे के पीछे ताकि उनको ना दिखे, और काफी टाइम से बालकनी में गए, देखती हूँ कि वो आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। आ गए, वो आ रहे, जल्दी 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 बैठ। ये लो कम्बल सूख गया तुम्हारा, कम्बल खाली कम्बल ही सुखाते रहो। थम और तो कोई तुम्हारा काम है ही ना, और क्या काम करूं? 24 घंटे सब्जी ले, दूध ले, कपड़ा ले, बस यही काम करते रहो। तो भाई यही तो होता है, सही तो है, कम से कम तुम्हें तो लाना नहीं पड़ता सामान को। सारा जॉब भी करता हूँ मैं, सारा का सारा सामान भी लेके आता हूँ मैं घर से। तो ऐसा ऑन कर दो मुँह पे ला के, ऐसा नहीं तो क्यों, ऐसा नहीं तो इसको पढ़ाने का तो मन करता नहीं है, बस मेरे से लड़ाई चलती रहती तुम्हारी हमेशा। और पहले तो हिंदी में बात क्या करो मेरे से, ऊपर ही ना तो मैं कहा करूं। और रही बात मेरी भाषा की, तो मैं तो बोलूंगा अपनी भाषा, तो मेरी भाषा रोकने से रोक नहीं सकते। समझ आ रही है ना मेरी भाषा, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? अगर मैं अपनी भाषा बोलूंगा फिर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। बोलो, मैं सुनने को तैयार हूँ, बोलो बोलो ना। जैसे बात करना ही बेकार है, खाली 24 घंटे न्यू ईयर आ रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ घूम रही है, बस बेवकूफन की तरह घर में बैठा के रह गए, ना कहीं घुमाने लेकर जाता है। चलो कहीं और की तो छोड़ो, कम से कम यहाँ कहीं आसपास तो घुमाने लेकर चलते। क्या लेके जाऊँ घुमाने के लिए? यहाँ पे देख रहे हो कैसा सिचुएशन चल रहा है, काहे की सिचुएशन चल रही है, दुनिया घूम रही है। तो कोई सिचुएशन ना हमारी बेर में सब सिचुएशन आ जावे। अबे यार तुम चिल्लाते हो, चलो ठीक है जाके चाय बना दो। मैंने बना दी चाय, फिर मेरे को ड्यूटी भी जाना है। मैंने बना दी, अपने आप पियो अपने आप बनाओ। ये कौन सी बात हो गई? अभी भगवान ने दो हाथ दे रखे ना हथौड़ांके से, जब डंबल उठाओ जिम में जाके, जब कोई फर्क ना पड़ता, तो ऐसी दोनों हाथन को जाके तोरा कथी भरा हाल जो तू केला लाइक कर छ हमरा से पहले बता तू हमरा ना। बस मो घूमना जानो, मैं न रहूंगी घर में, कतो जे भी घूमल है, जो हम मन करे वो हम लेके जाओ, पर मैं नहीं न रहूंगी घर में। बस पैसा चाहिए घूमा के लिए, ठीक है कि नहीं? तो लेके जाओ, लेकर जाओ अपने मतलब को, तो बड़े पैसा निकले। मेरी बेर में कुछ तो थमाए कंगाल बन जाओ, फूटी कौड़ी न रहती जिम में, खरीदने लिए घूमो फिर। तो मेरी बार में तो अच्छा, खरीद क्या होता भाई, मेरे को समझ नहीं क्या होता। चिल्लर सिक्का के लिए घूमो जो जेवन ने। मैं तेरी मम्मी को फोन करके बोल दूंगा, ये मेरे से ना हमेशा आपकी भाषा में बात करती रहती, सच्ची बता रहा हूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आती यार। तो मेरी मम्मी से कहा कहोगे, मेरी मम्मी कहा कहेगी? मेरी मम्मी तो बोल दे तो ब्याह काहे को कर रहे हो, जब भाषा पसंद न हो तो इतनी हमर भाषा पसंद छो तोरा ना। मो भाषा से मतलब न है, मो भाषा से कोई मतलब न है। मैंने भाषा देख के शादी न करी। खाना पीना मिल रहा है, घर के अंदर सब चीज मिल रहा है, तो बाहर जाने की क्या बात है? मो जानो, मैं न रहूंगी। कहाँ जाओगे घूमने? मो अगर न लेकर गए अभी 1-2 घंटा में, 1-2 घंटा का मो बस अभी बता 15-20 मिनट न जाओगे तो मैं अपनी मम्मी घर जा रही हूँ, मैं न रहूंगी। तो मम्मी के घर जाओगे तो दादी बाबा घर जाएगा क्या? मम्मी के घर जाएगी? मैं जाऊंगी अपनी मम्मी के घर, ये जाएगा दादी बाबा के घर, और तुम जाओ अपना जहाँ जाना, चाहे घर में रहना घर में रहो, मैं ना रहूंगी बस। हाँ, हम दोनों अपना प्लानिंग कर लिया, आज हम दोनों सामान पैक कर लिया, आज हम दोनों, निश्चल का भी सामान पैक अलग, मेरा भी सामान पैक अलग, हम दोनों ने सामान पैक कर लिया। बस तुम्हारी जो है अपनी राय बता दो, जाना या न जाना। जाओगे कहीं घुमाना तो हम दोनों सामान अपना रख देंगे, और न जाना तो निश्चल जाएगा दादी बाबा के घर, मैं जा रही हूँ। तो डील कर रहे हो यार, आज ही जा रहे हो, अब 1 घंटे बाद हम चले जाएंगे अपना। बेटा बाहर में देखा कितनी ठंड हो रही है, ठंड कुछ हो लो, हम जाए रहे, हमें किधर घुमाने नहीं जाते हो, हम जाए अपना किधर जाए रहे। मम्मी अपने दादी बाबा, मम्मी अपने नानी के पास जाएगी, मैं फिर दादी बाबा के पास जाऊंगी। बस हमें जो डिसाइड करना अपने दोस्तन की गल लफंडरन की गल घूमना न्यूयॉर्क पे तो घूमते रहो अपने दोस्तन की गल। अभी मैं किसी के साथ घूमा हूं, किसी भी लड़के के साथ घूमा। पिछली बार गए ना अपने दोस्तन की गल, अपने दोस्तों के साथ घूमो, अपना घर से लो, अपना कुछ। आज भी ड्यूटी है यार, ड्यूटी जा रहा हूँ। हां कोई बात ना, रहने दो। हम जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं, आज नहीं कल बाहर निकल जाएंगे यार। तुम दो ड्रामा पार्टी हो यार। ड्रामा पार्टी है बड़े अच्छा। ड्रामा पार्टी से शादी हुई है हमारे ड्रामा पार्टी। अब बाप ड्रामेबाज है, हमारा बेटा भी ड्रामेबाजी हुआ है। बस हम दोनों आज ही करने आ रहे हैं, घंटा और निकलेंगे। बस फैसला बताओ जल्दी, हम निकलेंगे फिर, हमें न रहने हैं। अरे जब तक निकला छोड़, निकल ले। हम कत्तो लजबोता से घुमा वाला है, ठीक है कि नहीं? ये हम निकल ले। ठीक है हम निकल रहे हैं। सामान पैक कर रहा हूं मैं अभी, हमारा सामान पैक। आज और चिल्लर पार्टी बैठ यहां पे। नहीं हम जा रहे हैं आज ही, एक बार बता लो। हम जाएंगे बस। कत्ता जेबी बुआ बता, कत्ता जेबी नीचे से प्लान कर। मैं तू कहां जाएंगे घूमने? अब नानी का जाऊंगा। जाएगा नहीं, ये नानी के पास जाएगी, मैं अकेला। तू दादी पापा के पास रहेगा। अच्छा चल ठीक है, तू दादी पापा के पास मत जा, मैं भी नानी के पास नहीं जाऊंगी। तू हम दोनों एक अच्छी सी जगह प्लान करते हैं, हम दोनों वहाँ चलेंगे घूमने के लिए। दिल्ली छोड़, दिल्ली नहीं जाना। कुतुब मीनार में बहुत हो गई, जाके चाय बना दो। मैं नहीं बना रही, कुतुब मीनार जाएगा फिर दिल्ली जाऊंगा। तो कुतुब मीनार भी तो दिल्ली में ही है। हाँ कुतुब मीनार दिल्ली जाए। हम कुतुब मीनार में क्या, कुतुब मीनार ऊपर चढ़ के ना। सालों बहुत हो गया, जो जाकर चाय बना दे, हम ऑफिस जाके छी। ठीक ठीक है जो हां जो मिस्टर के दाई के फोन करी छी कि न तोरा तो बहुत ड्रामा करत रहो जो गौर के। मैं नानी का फोन करते आता हूं। सही कह रहल छो, जिसे फोन करना कर दो बस। पापा आज हमारी फ्लाइट है, आज हम निकलने वाले हैं। फ्लाइट है? हाँ। नोएडा से फ्लाइट मिलती है दिल्ली की। हाँ हम जाएंगे। हाँ वो स्पेशली फ्लाइट है, वो निश्चल ही ले सकता है बस उस फ्लाइट को। और उस फ्लाइट में दुनिया का कोई इंसान नहीं बैठ सकता। वो नोएडा से ही जाती है और वो निश्चल के लिए है बस। वो निश्चल ही निकाल सकता है उस फ्लाइट को बस। अबे यार दिमाग ने खराब कर। चाय बना कला। हम नहीं जाएंगे। चाय बना कला। नहीं हम जा आज हम जाएंगे अपने नानी के। मम्मी हम दोनों अपने जाए अपना। आप क्या टेंशन, आज निश्चल में पार्टी करेंगे फिर कुतुब मीनार में। डन। आज हम कुतुब मीनार में पार्टी तो चलोगे ठंड में? ठीक है मैं लेके चलता हूँ। कुतुब मीनार में जाओ, कुतुब मीनार बंद है अभी शाम में। कुतुब मीनार खुला रहेगा। हाँ खुला है। इंडिया गेट जाएंगे। इंडिया गेट तो खुला है, इंडिया गेट जाएंगे हम आज, वहीं बोलेंगे। दिखाओ मैं क्या बुक करता हूँ, इंडिया गेट के लिए। हाँ ठीक है करो लो, आज हम जाएंगे। ये होगी मन में तसल्ली कर दो बुक। करो कर ले पापा। अरे आप सही में करने लगे। कर ले आपके देखो के। अरे यार न्यूयॉर्क का प्रैंक कर रहे हैं सही में। ये ऊपर निकाल के बैठ गए। अरे हम मजाक कर रहे थे दोनों। बाबू और मैंने प्लान किया था कि आपके साथ हम न्यूयॉर्क प्रैंक करेंगे। सॉरी अरे मैं आपकी वाइफ हूँ यार। देखो यार मैं ही पिसता हूँ हर चीज के अंदर। अरे भाई देखो मैं आपकी वाइफ हूँ, वाइफ को तो भाई घर में सुख दुख सब पता होता है। तो घर में कितना है क्या है सब मुझे पता है, तो इनकी प्रॉब्लम की सिचुएशन में समझ सकती हूँ। तो इसलिए मैं ऐसी कोई भी डिमांड नहीं करती हूँ कि जिससे इनका दिल दुखे। तो मैं तो सिर्फ एक छोटा सा मजाक कर रही थी। हम तो कहीं नहीं जाने वाले, अपने घर में एंजॉय करने वाले। रात को घड़ी देखेंगे, 12 बजेंगे, हैप्पी न्यू ईयर बोल देंगे सबको। तो यही है हमारा छोटा सा प्यारा सा प्रैंक कर दिया। तो निश्चल के पापा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए। पर निश्चल के पापा सच्ची में बहुत ज्यादा स्वीट है। हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो बहुत आसानी से मान जाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, पर मान जाते हैं। पता है सच्ची में उबर बुक करने लगे थे अभी हमें ले जाने के, पर मैंने बोल दिया इनको हम मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आपको हमारे प्रैंक कैसा लगा मेरा निश्चल का, निश्चल बोल रहा है लाइक करना हमारी वीडियो को। तो हम दोनों बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।